कि रात बिरात में अगर कोई भी गाड़ी वाला अगर इसमें मारेगा तो डायरेक्टली यह पुल के नीचे चल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे नदी है किनारे, और इस पे किसी का ध्यान नहीं है। मैं बिहार सरकार से विनती करना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ, यह रोड NH 139 है, और यहाँ पर कुछ ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ है जिसके लेकर मैं यहाँ पे वीडियो बनाने आया हूँ। प्रॉब्लम क्या है, एक ओबरा का पुल है और पुल क्षतिग्रस्त हो चुका है, टूट गया है, लेकिन किसी का भी ध्यान उस पर नहीं गया है। तो मैं उस घटना को मैं दिखलाने वाला हूँ, जो पुल टूटा हुआ है, जो क्षतिग्रस्त हुआ है, मैं उसको दिखलाने वाला हूँ। और मैं बिहार सरकार से ही भी विनती करना चाहता हूँ कि उस पुल को देख करके उसको जल्द से जल्द बनाया जाए, मरम्मत किया जाए, जो कि आने जाने के लिए किसी को परेशानी ना हो। चलिए दिखाता हूँ फिर। यहाँ पे अभी देख सकते हैं, ये अभी फिलहाल, ये पहले देख लीजिए तब मैं वार्तालाप अभी करने वाला हूँ। यह अभी जो पुल है ना, क्षतिग्रस्त हो चुका है, जो कि अभी किसी को भी ध्यान नहीं है इस पे लेकर के, जो कि यह रोड आपको औरंगाबाद से पटना जोड़ता है, और इस पे किसी का ध्यान नहीं है। मैं बिहार सरकार से विनती करना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे पुल को कम से कम इस पे ध्यान दे कर करके जो भी इंजीनियर है उसको बोल कर करके मरम्मत किया जाए और सही ढंग से इसको ठीक किया जाए, क्योंकि ये एक ही ऐसा पुल है जिससे लोग औरंगाबाद से पटना जाते हैं, और बहुत सुविधा से लोग जल्दी से पहुंच भी जाते हैं। तो कृपया कर ऐसे ऐसे पुलों का कृपया कर ध्यान दें। देख सकते हैं, ये नीचे दिख रही कैमरा मैन यहाँ पे, ये देख सकते हैं इसका पाया कैसे टूट चुका है, और यह पुल का ब्रैकेट है, रोकने वाला है, और यही क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो आए दिन मान लीजिए कि रात बिरात में अगर कोई भी गाड़ी वाला अगर इसमें मारेगा तो डायरेक्टली यह पुल के नीचे चल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे नदी है किनारे, यह नदी है, इसके अंदर लोग चल जाएगा, जो कि बहुत ही एक तरफ से कठिनाई कहा जाए, कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है लोगों का।